काली नागिन, हम इंसान हमारी दूर दूर के रिश्तेदारों को अच्छी तरह से जानते हैं, मामा के, ताऊ के, चाचा की, बुआ की, भाभी की, बहन की, बेटी की, ननद। तो तू क्यों नहीं जानती कि ये नाग कौन है? अरे तुम्हारे नागलोक में किसी की कुंडली नहीं होती, कोई नाम की सूची, कोई फोन बुक नहीं होता, मतलब संख्या कितनी है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खैर छोड़, फोन होगा भी तो तुम लोग कैसे फोन करोगे? अरे ना हाथ है ना कान, कैसे पकड़ोगे? अरे कम से कम नाग लोग में तो इंक्वायरी तो कर सकती है ना कि ये नाग है कौन। है तो तेरी बिरादरी का। ए मोटी पका मत, एक चुप, वो सेल्फी लेना बंद कर और कुछ तो सीख हम इंसानों से। रिश्ता कैसे निभाते हैं, पहचान बनाना, ये सब कुछ ना, ये सब कुछ ही काम में आता है, ये सारे कॉन्टैक्ट्स काम में आते हैं। अच्छा तो एक काम करती हूँ, तुझे ना हमारे नागलोक भेज देती हूँ, जाके देख ले। नागलोक फुटबॉल जैसा छोटा सा शहर नहीं है, वहाँ हजारों और लाखों नाग नागिन रहते हैं। चल छोड़, अगर रिश्ते निभाते ना तो ये हजारों लाखों तेरे काम आते। ये रिश्ते की दुकान, तू कौन से रिश्ते निभा रही है? हाँ भाड़े की फैमिली और किराए के इमोशंस, वो विक्रम तेरा कौन सा सगा था? सगा? अब समझी, तूने विक्रम को टपका दिया। टपका दिया ना तूने? बकवास बनकर, जब विक्रम मरा था ना तब मैं तेरे सामने खड़ी थी पार्टी में, ओवर एक्टिंग की दुकान। हाँ ना, तुम और यहाँ? मैंने बुलाया है। क्यों रे काली नागिन, तुम जानवरों का ऊपर का फ्लोर हमेशा खाली रहता है क्या? अगर किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसकी पहचान कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, खासकर उस नीरे नागिन के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, जो हमारे पीछे पड़ा है। इसलिए तो बुलाया है इसे। दो को टपका चुका है वो, इसे यहाँ मिलने के लिए बुलाकर हम कोई और खतरा मोल नहीं ले सकते। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें वही मिलेंगे जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। यहाँ तेरी जान को खतरा है, चल निकल। चलो मीटिंग पॉइंट पे चलते हैं, कुछ लेके भी जाना है। क्या? ये आठवां कातिल है, कपालिका ने जो मणि दी थी वो इसे देनी है। ओ हाँ, भूली गई। ठीक है, मैं घर के अंदर रहकर उन पर नजर रखूंगी और तुम घर के बाहर। वो लोग मुझ पर शक नहीं करते, मुझे वहां कोई खतरा नहीं। पर तुम घर के अंदर मत आना, तुम्हारी जान को खतरा होगा। वो काली नागिन, मधुमक्खी, यामिनी, सब लोग वही हैं। ये कौन है? शिवांगी तुम चुप क्यों? ये कौन है? रॉकी। तुम्हें कैसे पता? ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। तुम नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगी, तुम यहीं रहकर उन लोगों पर नजर रखो। ठीक है, लेकिन तुम अपने नागिन वाले रूप में नहीं जाओगी, तुम मेरे नाग वाले रूप में जाओगी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं बेटा, घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, इसलिए सोच रही थी ठंडी हवा खा लूं। अच्छा चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ? अरे
जा हवा खाने आप जा रही हैं। रॉकी दरअसल बात यह है कि तुम्हारी ये बड़ी माना बैठे बैठे मोटी होती जा रही है, इसलिए सोच रही थी कि बॉडी शेप में रखने के लिए मैं थोड़ा हम वॉक पे जा रहे हैं। तो बॉडी शेप के लिए वॉक सही नहीं, आप जिम चलिए, मैं आपको जिम छोड़ता हूँ। कम जिम? हाँ विक्रम की इतनी इम्पोर्टेंट फाइल यहाँ पड़ी है? अरे अवंतिका को देना था। रॉकी बेटा एक काम करोगे, इसे विक्रम के कमरे में रख दोगे प्लीज? अब क्या हुआ? वो मेरी साफ वाली बिंदी, उसे लगाए बगैर मैं बाथरूम से भी बाहर नहीं निकलती। एक काम करती हूँ, मैं अभी लगाती हूँ। टोक मत काली नागिन, मैं इन टोटकों को बहुत मानती हूँ, तो चल। ये मैं कहाँ पे रखूँ? बड़ी माँ ने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स है, अगर खो गए तो दिक्कत हो जाएगी। रॉकी बी केयरफुल। वो तो अजीब और गरीब लॉकेट है, किसका हो सकता है? विक्रम अंकल का शायद। वही बंदे वैसी अजीब और गरीब चीज है। But you know what? Look bad. मैं देखता हूँ ट्राई करके। पूरी सांप इसके साथ है, फिर भी इसे सांप वाली बिंदी लगानी। शिवांगी बिल्कुल सही कह रही थी, सारे हथियारे मिलने वाले हैं, और ये लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? इतनी देर क्यों कर दी? अरे ओ काली नागिन, मैं तेरी तरह चुटकी में रूप नहीं बदल सकती। सवाल पे सवाल किए जा रही है, चल। मुझे देखना होगा कि ये जा कहां रहे हैं। तुम बिल्कुल सही थी, सारे कातिल एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जरूर मुझे पकड़ने के लिए जाल बुन रहे हैं। नहीं वहां मत जाओ, वो लोग तुम्हें देख लेंगे। तुम घर आए इसका मतलब नाक को पकड़ने के लिए तुमने कोई तोड़ लाया। ये क्या है? ये नाग नागिन को पकड़ने के लिए मणि है। अच्छा कैसे भी सही, लेकिन लेकिन नागमणि मेरे हाथ में आ गई। मतलब तोड़ मिल गया।
उस नाक को पकड़ने का। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, अब इसे वो तो दे जो देने आए हैं। हाँ हाँ देती हूँ, लो